हेलो everyone एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो tutorial. इन दिस वीडियो वी हैव अ जॉब डेट which इज कमिंग from टाटा पावर टाटा पावर में रिक्रूटमेंट आई हुई है Career अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेशर्स के लिए जिसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो की खास बात यह रहने वाली है यहाँ पर ना केवल मैं आपको प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा कि फ्यूचर में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं टाटा पावर में उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप देख सकते हैं तो पूरा कैरियर पेज आपके सामने खुला हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट टाटा पावर डॉट कॉम स्लैश कैरियर स्लैश फ्रेशर्स डॉट ए एस पी एक्स ऑफिशियल साइट है तो जिन्यून वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको टाटा पावर में अपॉर्चुनिटी जो आई है देखिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है अलग अलग टाइम पर डिप्लोमा के लिए आती है बीटेक के लिए आती है फ्रेशर्स वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्लाई करने में कोई फीस नहीं लगने वाली है कहीं कोई पैसा नहीं लगना है आपको सीधे अप्लाई कर देना है और अच्छा सर्विस जो में बना के आप अप्लाई करिए चांसेस रिवर्ट बैक के कुछ लोग जैसे जिंदल में बोल रहे थे उतने नहीं रहते हैं या टाटा में फिर भी जिंदल से थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं रिवर्ट आने के और आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहिए जिसमें भी आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगेगी तो उस हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से आता है क्योंकि कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टोटल ठीक है तो ये ऑफिशियल साइट है यहाँ पर देखिए आप ये चीज़ें हैं रजिस्टर लॉग इन पर हम नहीं जाएंगे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर जाएंगे तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखता है संगम डॉट आर पावर डॉट कॉम और ये पूरा वेब एड्रेस है इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है जैसे है, रहने दीजिए सब कुछ ऑल में रहने दीजिए और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करिए तो स्टार्ट पे क्लिक करने पर अभी मेरे सामने ऐसा दिख रहा है लेकिन हो सकता है आप कल को वीडियो देखें आपके सामने कुछ और दिखे ऐसा रीज़न क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाटा पावर जितने भी रिक्रूटमेंट निकालता है ऑफिशियल साइट पर कुछ तो वो टी सी एस आई ऑन पर निकालता है उसकी मैंने पिछली दो वीडियो बनाई थी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये देखिए लेटेस्ट जॉब अपडेट वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें आप देखेंगे तो टाटा पावर की अभी ये वीडियो आई थी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ऑल ब्रांचेस एलिजिबल और उसके पहले भी टाटा पावर की एक वीडियो ये आई थी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच एवेलेबल थे तो ये जो है आपका टी सी एस आए उन पे था बट आज की जो नोटिफिकेशन है ये टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पर है अब इसमें आपको सामने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल दिख रहा है एसोसिएट सिविल दिख रहा है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो अभी है लेकिन जैसे आप इस वीडियो को अगर जैसे आज चार तारीख को ये रिलीज़ हो रही है तो चार तारीख को देखते हैं तब तो आपको ये दोनों मिल जाएगी हो सकता है फ्यूचर में देखें तो आपको ये तीन नोटिफिकेशन ना दिख करके कुछ दूसरी नोटिफिकेशन दिख रही हो क्योंकि ये क्या करते हैं कि आज जैसे नोटिफिकेशन डालें कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सौ डेढ़ सौ या हज़ार दो जितने इनको जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से कुछ रिलेटिव एसपेरेंट्स uh, ने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद वो लिंक क्लोज कर देते हैं कभी एक दिन में क्लोज़ कर देते हैं कभी दो दिन में जैसे मैंने अभी परसों देखा था एक मैकेनिकल का आया था तो उसको क्लोज़ कर दिया फिर एक तारीख को आया था मैकेनिकल वाला अभी नहीं दिख रहा है आपके सामने तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर आता रहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ये टाटा एम्प्लॉयमेंट का तो इसको आप बुक कर लीजिए अपने पास सेव कर लीजिए और अभी जो आया है इसमें तो जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर दीजिए बाकी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो लिंक अपने पास सेव रखिए उस लिंक से जा करके आप बीच बीच में मैं रोज़ रोज तो वीडियो नहीं बनाने वाला एक ही टॉपिक पर तो आप क्या करिए कि हर चार पाँच दिन बाद वो जा करके आप देख लीजिए कि टाटा पावर में कोई आपकी ब्रांच वाली वैकेंसी आई है तो फटाक से उसमें अप्लाई कर दीजिए ठीक है आ, कभी डिप्लोमा की और हर दिन कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालते रहते हैं जैसे अभी जब मैं वीडियो बनाने में पहले बैठा था तो दो ही दिख रहा था अब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की आ गई कल कोई इसकी जगह फिर आ जाएगी मैकेनिकल की सिविल की आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाएगी तो अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं ठीक है अभी के लिए जो हमारे पास है ये पी देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है जैसे सबसे पहले अगर आप देखते हैं एसोसिएट सिविल वाला जो है जो आपका यहाँ पर दिख रहा है एसोसिएट सिविल एंड स्टेट इसमें क्या बताया गया है इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है एसोसिएट सिविल सिविल एंड स्टेट तो सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा हो या सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर से कोई एम वगैरह हो या फिर आपका इसमें बी हो तो ये तीन लोग ती, तीन तरह के लोग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो अप्लाई के लिए क्या करना है आपको अप्लाई के लिए आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए क्या होता है एक तो जो है इसका वो खुलता है कि मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड होने लगती है तो नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी और दूसरा अप्लाई पे आता है अप्लाई पे जाएंगे तो इस टाइप से आपका अप्लाई का आएगा तो आप आगे अप्लाई कर लेंगे वो उसमें ज़्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं है बड़ा सिंपल सा है उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल इलेक्ट्रिकल का है ठीक है तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में क्या मांगा गया है जमशेदपुर लोकेशन रहने वाली पहले वाले की लोकेशन कहाँ थी सिविल एंड स्टेट लोकेशन नहीं बताएगी तो कहीं पर भी लोकेशन ये दे सकते हैं दूसरे की लोकेशन जमशेदपुर है टाटा पावर कंपनी में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का सीधा सा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बीटेक मिनिमम डिग्री होनी चाहिए आपकी ठीक तो ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अब कुछ अलग से नहीं बताया गया तो आप सभी अप्लाई करेंगे जिनकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगेगी उनको आपका ई मेल पर रिवर्ड बैक आएगा कहीं कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा तो आपके पास कोई फेक ई आता है टाटा के अलावा कहीं और से या सिमिलर नेम से आता है तो उससे बचिएगा ठीक है पैसा नहीं लेता इसमें फ्री होता है सब कुछ लीड इंजीनियर की पोस्ट आई थी एक जून को तो वो अभी हट गई है उसमें सभी ब्रांचेस एलिजिबल थी लीड इंजीनियर सेफ्टी की थी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ रोज मतलब एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती है तो फिर इससे बेटर है कि आप एक बार को ये लिंक सेव कर लीजिए और टाटा पावर में कोई वैकेंसी आती है तो देखते रहिए ठीक है डाटा ओवरव्यू क्लस्टर में भी कुछ नहीं बताया गया ऑफिस ऑफ चीफ जनरेशन है तो इसमें भी फ्रेशर के लिए ही है क्योंकि ये जो वैकेंसी हमने खोली है ये हमने यहाँ पर जाके खोली है जो कि फ्रेशर डॉट ए एस पी एक्स कैरियर स्लेश फ्रेशर डॉट ए एस पी एक्स था कैरियर्स के बाद फ्रेशर्स की भी थी और एक्सपीरियंस वाली दोनों थी तो हमने फ्रेशर्स का देखा है तो ये सारी वैकेंसीज जो अंदर आ रही हैं ये सब फ्रेशर्स के लिए हैं तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है सारा फ्रेशर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये तीन तो वैकेंसीज मैंने आपको बता दी कैसे टाटा पॉल में अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज तो ये आपके लिए एक यूज़फुल इफॉर्मेशन हो जाती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है बाकी टाटा की कोई अपडेट आती है टाटा स्टील एटी का जैसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कब आएगा रिजल्ट तो उसका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है जून में तो आ ही जाना चाहिए बिकॉज काफ़ी डिले हो रहा है डिले हो रहा है वो उनके एंड से डिले हो रहा है उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बट जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्प्लॉयमेंट का चांस बने और कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं जिसमें ग्रेजुएट सभी एलिजिबल हैं तो उसको भी हम लाएंगे जैसे कि उसमें भी आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें हर तरफ देखना होगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके इस चैनल के थ्रू तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे सी यू